नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बकरे बकरियों के दस्त के बारे में। हम सिर्फ बकरे बकरी की बात करेंगे, उनके बच्चों की बात नहीं करेंगे। बकरे बकरियों में दस्त की जो समस्या है वो परमानेंट रहती है। परमानेंट का मतलब कि दस्त एक ऐसी बीमारी है जो बकरे बकरियों में कभी भी आ जाती है। और आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता दूँ कि बकरे बकरियों में दस्त की जो समस्या होती है वो या तो कुछ अटपटा खाने से होती है। अटपटे का मतलब दाना मिश्रण ज्यादा खा लेना, ज्यादा चारा खा लेना, या ज्यादा मात्रा में सूखा चारा जो भूसा होता है वो खा लेती है। या फिर क्या होता है कि जब बकरे बकरियों को हम हरा चारा खिलाते हैं तो उसके ऊपर बाहर से बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चारे के माध्यम से उनके पेट में चले जाते हैं, जिससे दस्त लग जाते हैं। तो लूज मोशन जो दस्त की समस्या है डायरिया की, वो बकरे बकरियों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हमने कुछ समय पहले बकरे बकरे के लूज मोशन जो दस्त है उसके ऊपर एक शानदार वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एक देसी इलाज बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। उसमें हमने जो देसी इलाज बताया था उसका रिजल्ट हमारे बकरी पालकों को और हमें हमारे फार्म के अंदर बहुत शानदार मिला, और अभी भी हम उसी देसी इलाज को कर रहे हैं। पर हमारे कुछ बकरी पालकों का कहना है कि कुछ ऐसा बताएं जिससे कि बकरे बकरियों को दस्त ही ना लगे। जब दस्त लगेंगे नहीं तो बकरा बकरी का हमें इलाज नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी तो कोई दवा नहीं है, ना कोई ऐसा देसी नुस्खा जिससे हम परमानेंट बकरे बकरियों को दस्त को रोक सकें। पर आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शानदार देसी इलाज बताने वाला हूं जिससे हम बकरा बकरी के दस्त पूरी तरह तो नहीं रोक सकते हैं, पर फिर भी उस देसी इलाज से बकरे बकरियों के 70-75% दस्त जो होने वाले होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे कि कुछ बकरी पालक हैं, उनके बकरे बकरियों को आए दिन दस्त होते हैं, कभी कभी तो लगातार दस्त चलते रहते हैं। तो आपको जो इलाज बताने वाला हूं, अगर आप वो समय से कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे रिजल्ट कि आपके बकरे बकरी को जो रेगुलर दस्त चल रहे होते हैं, आए दिन उसको दस्त होते रहते हैं, तो वो नहीं होंगे। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दस्त ऐसी बीमारी है जिसमें बकरा बकरी खाना पीना बहुत कम कर देता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कई बार तो वो दस्त शूटिंग डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एकदम पानी जैसा हो जाता है, जिससे बकरे बकरी का अगर समय से इलाज ना करें तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में बकरा बकरी के दस्त में कई तरह के इलाज किए जाते हैं। आज मैं आपको बहुत शानदार नुस्खा बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। जिस देसी इलाज की, जिस नुस्खे की मैं बात कर रहा हूं आज वीडियो में, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसमें हम तीन तरह की देसी चीजें लेंगे, जिसका मिश्रण बनाकर आप अपने बकरे बकरियों को देंगे तो उनमें दस्त का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगा। इस देसी नुस्खे में जो सबसे पहली सामग्री हम लेंगे, सबसे पहला जो आइटम लेंगे वो है बटर मिल्क छाछ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमें लेना है। दूसरा हम लेंगे मेहंदी के पत्ते, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये देसी मेहंदी है। इस मेहंदी को हम हमारी दिनचर्या में भी कई माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लेना है इस मेहंदी के पत्ते। इसके बाद जो तीसरी देसी चीज हम लेंगे वो लेंगे काली जीरी, आप देख सकते हैं ये काले कलर की आती है, ये चावल के दानों से पतली होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये काली जीरी। अब आपको ये लेना कितनी मात्रा में और कैसे देना है इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमने बटर मिल्क लेना है वो आपको लेना है बकरा बकरी के एज के हिसाब से। अगर आपकी बकरी 1 साल की एडल्ट है और उसमें 20 किलो से लेकर 30 किलो के बीच का वजन है तो आपको लेना है 250 ml बटर मिल्क। आपकी बकरी में 30 किलो से लेकर 50-60 किलो तक का वजन है तो आप उसमें 400-500 ml तक भी छाछ ले सकते हैं। जो दूसरा हम लेंगे बोलेंगे मेहंदी। मेहंदी आपको 20 से 30 किलो की बकरी के लिए 10 से 15 पत्ते लेने हैं सिर्फ, उसको आपको अच्छे से बांट लेना है। वो वही पत्ते आपको 20 से 25 लेने हैं जब आपकी बकरी 30 किलो से लेकर 40-50 किलो की हो, इसे हमें अच्छे से बांट लेना है, और बांट कर इसे हमें बटर मिल्क जो छाछ है मिला लेना है। और जो तीसरा देसी आइटम हमने लिया है काली जीरी, उसे हमें लेना है 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम। अगर आपकी बकरी 20 से 30 किलो के वजन में है तो सिर्फ 5 ग्राम लें आप, अगर वो 30 से ऊपर 40 से 50 किलो की है तो आप 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक ले सकते हैं। मतलब कि अगर बकरी 1 साल की है 20 से 30 किलो की, तो आप 1 चम्मच जो टेबल स्पून आता है नाश्ते करने वाला उसे 1 चम्मच ले लें, अगर वो 30 किलो से ऊपर की है तो आप 1.5 चम्मच से लेकर 2 चम्मच ले सकते हैं। तो आपको इसे भी अच्छे से बांट लेना है, बारीक कर लेना है। जब आप मेहंदी को भी बारीक कर ले रहे हैं, काली जीरे को भी बारीक कर ले रहे हैं, उसके बाद इन दोनों चीजों को बटर मिल्क में अच्छे से मिला लें, मतलब तीनों चीजों का अच्छे से मिश्रण बन जाएगा। इस मिश्रण को आपको आपके बकरा बकरी को महीने में सिर्फ 5 दिन देना है, डेली आप सुबह खाली पेट उसे ये मिश्रण बनाकर पिला दें। आपको महीने में 5 दिन पिलाना है, उसके बाद आपको 2 महीने नहीं पिलाना है, 2 महीने के बाद फिर से आपको रिपीट करना है सेम मिश्रण। जब आप इसको पिलाएंगे तो पहले महीने से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अब मैं आपको बता दूं कि जो तीन चीजें हमने ली है उसके फायदे क्या है। बकरे बकरियों के शरीर में जाने के बाद में ऐसा क्या काम करती है वो, जिससे बकरे बकरियों में 10 का परसेंटेज कम हो जाता है, जो लूज मोशन का हायर परसेंटेज रहता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो हम बात करें कि छाछ जो बटर मिल्क है उसे हम जब पिलाते हैं तो बटर मिल्क की जो तासीर है वो बहुत ज्यादा ठंडी है, वो शरीर में जाकर ठंडक देती है, जिससे कि बकरे बकरियों में जो गर्मी बनती है, जो डाइजेशन गड़बड़ होता है, वो सब ठीक कर देता है। दूसरा, हम जो मेहंदी के पत्ते ले रहे हैं, मेहंदी के जो पत्ते हैं वो भी शरीर में जाकर बहुत ज्यादा ठंडक देने का काम करते हैं। जब आपको लगे कि बकरा बकरी बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं तो आप ये तीन तरह का मिश्रण देना चालू कर दें तो उसको फ्यूचर में दस्त बहुत ज्यादा कम होंगे। उसके अलावा जो तीसरी चीज हमने ली है काली जीरी, काली जीरी को कई बकरी पालक अपने बकरे बकरियों में कीड़े मारने, जो पेट के कीड़े होते हैं उन्हें मारने में इस्तेमाल करते हैं। काली जीरी को डिवर्मिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, पर हमने इसका बहुत कम परसेंटेज लिया है, हमने बहुत कम मात्रा में ली है, जिससे कि बकरे बकरियों में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पेट में अगर वॉर्म्स है, जो कीड़े होते हैं पेट में, तो वो भी मर जाएंगे, क्योंकि दस्त में कहीं ना कहीं पेट के कीड़ों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। अगर आप समय से डिवर्मिंग नहीं करते हैं, समय का मतलब हर 2 महीने में एडल्ट बकरा बकरी की डिवर्मिंग होना चाहिए, अगर आप वो नहीं करते हैं तो पेट में कीड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिससे बकरा बकरी जो भी खाता है उसके डाइजेशन को बिगाड़ देते हैं कीड़े, इस वजह से भी दस्त बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इस मिश्रण में काली जीरी का जो काम है वो यही है जो मैंने आपको बताया। तो इन तीनों चीजों का मिश्रण आपको हर महीने 5 दिन देना है और हर 2 महीने छोड़कर देना है, इस बात का ध्यान रखें। आप इस मिश्रण को किसी भी तरह से पिला सकते हैं, अगर आपका बकरा बकरी नॉर्मली पी ले तो पिला दें, अदरवाइज आप उसे सीरिंज की मदद से या किसी बॉटल की मदद से पिला सकते हैं, पर पिलाते समय ध्यान रहे कि आराम से पिलाना है आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, क्योंकि ड्रिंचिंग निमोनिया का कंसर्न जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा रहता है जब हम ओरली किसी चीज को बकरा बकरी को पिलाते हैं। तो जो देसी इलाज मैंने आपको आज बताया दस्त को लेकर, ये जरूर करें, अगर फायदा होने में समय लगेगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गारंटी है, क्योंकि देसी इलाज कभी भी बकरे बकरियों में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करता है, अगर आप उसे सही मात्रा में सही तरीके से दे तो। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।